बहुत अच्छा खेल रही है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेल रही है। किसी भी गलत एक्टिविटी पे या झगड़े फसाद पे अपना स्टैंड क्यों दे, वो ज़रूरत ही क्या है। और मैं कोई कमेंट नहीं दूंगी कि आरती को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे घर का बच्चा बहुत इज्जत से खेल रहा है। सबसे पहले तो मैम आपका वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और बीइंग अ मौसी ऑफ आरती, मेरा नाम कामिनी खन्ना है और मैं राइटर म्यूज़िक डायरेक्टर आरजे हूँ और फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी हूँ और कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ और मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है भगवान की दया से। और आरती मेरी भांजी है। ओके सो आरती के बारे में जानना चाहूँगी, आपके हिसाब से क्या लगता है, आरती अच्छा खेल रही है? बहुत अच्छा खेल रही है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेल रही है। एकदम अपने तहजीब में रहते हुए और परिवार की इज्जत को हाथ में थामे हुए और उसने हर स्टेप बहुत ही तमीज़ से लिया है। लेकिन यू नो आप कह रही हैं अच्छा खेल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंसेस हैं जो उनको देखकर उनका कहना ये है कि आरती अपना स्टैंड नहीं रख पाती है, तो इससे कितना जब वो वहाँ पर गलत सलत हो रहा है तो अपना स्टैंड क्यों दे, किसी भी गलत एक्टिविटी पे या झगड़े फसाद पे अपना स्टैंड क्यों दे, वो ज़रूरत ही क्या है। जहाँ पर देना है वहाँ बोलती है वो, और जहाँ पर वो उसको नहीं कूदना है नहीं कूदती वो। लेकिन कंटेस्टेंट का भी मानना यही है कि उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं। कंटेस्टेंट तो एक दूसरे को गिराएंगे नहीं तो वो कैसे ऊपर आएंगे, यही तो मिर्च मसाला है, इसी का नाम बिग बॉस है। तो ये मिर्च मसाला रहेगा कि एक दूसरे को गिराते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे तो चलेगा शो। ओके सर, इसके अलावा यू नो अभी अभी हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में उनकी काफ़ी बनती थी, लेकिन उनकी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में अब लड़ाई हो गई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई है, असहमति हो गई, उसको नाराज़गी है सिद्धार्थ जी से कि जब उसे बुरा कहा जा रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं एक्टिव पार्ट लिया और वो क्यों नहीं उसको रेस्क्यू करने आए। एज ए टीम, एज ए नॉट एनी अदर थिंग बट एज ए टीम एक दूसरे को रेस्क्यू करना गेम की स्ट्रेटेजी है। लेकिन आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर के अंदर सबसे गंदा कौन खेल रहा है, जो वाकई? नहीं, मैं ऐसा किसी को नहीं मान रही कोई गंदा खेल रहा है नॉल। मुझे ऐसा लगता है सब अपने अपनी जगह पे लगे पड़े हैं क्योंकि सबको जीतना है, सबको लगता है कि टिके रहें। पैसा भी है, नेम भी है, फेम भी है, किसको नहीं चाहिए, पर सब लगे हुए हैं अपने आप से। सब बच्चे मेरे लिए तो कुछ कोई गलत नहीं कर रहा है, वो अपनी अपनी गेम रख रहे हैं जैसे भी है, यही करने के लिए उनको अंदर भेजा है। अगर वो चुप भी हो जाएंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो फिर बिग बॉस काहेगा। ओके सो हाल ही में आरती को पैनिक अटैक भी आया था जो कि उनके पास्ट से कुछ रिलेट किया जा रहा है, कुछ ऐसा? पैनिक अटैक एक नॉर्मल सी चीज़ है जो किसी भी इंसान को एंग्जाइटी होने पर या ऑड सिचुएशन होने पर आता है। तो ऑड सिचुएशन हुई होगी अंदर, कोई इतने दिन से अंदर रह रही है वो और इतने दिन से झेल रही है सबको, तो हो गई होगी उसको एंग्जाइटी। इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप बहुत सारी ऑड सिचुएशंस में जब रहते ही जाते हैं तो कभी घबरा जाता है, उसको हम पैनिक बोलते हैं कि पैनिक हो गया, तो घबरा गई वो, घबरा के रोने लगी, नथिंग एल्स। इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं कि वो रोई है खाली फपक के, और वो रोई और हम भी रोए, लेकिन रोने के अलावा तो कुछ उसने किया नहीं है वहाँ पर। लेकिन यू नो जितना हम जानते हैं उतना हम ये जान पाए हैं कि आरती लॉस्ट हर मदर इन अ वेरी स्मॉल एज, जिसके बाद उनको उनके फ्रेंड की मम्मी ने संभाला, जिसके लिए ये सब गलत जानकारी है आप लोगों को, क्योंकि आरती की मदर को तो पता भी नहीं था कि उनको बीमारी है कोई अंदर। जब आरती पेट में थी और वो 25 दिन की थी तब मेरी मामा की बहू गीता सिंह जी श्रीमती उन्हें ले गई अपने साथ, क्योंकि उनके दो बच्चे थे कृष्णा, और बाद में 25 दिन में मेरी बहन की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। जब आरती 25 दिन की थी तो ना आरती को होश थी ना मेरी बहन को मालूम था कि उसे क्या हुआ है, तो एक्चुअली उनको बताया भी नहीं गया लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि 25 दिन के अंदर ही उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 25 दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। तो टाइम भी नहीं मिला, इलाज करने का भी समय नहीं मिला, और आरती बहुत छोटी थी 25 दिन की और कृष्णा थे पौने 2 साल के। तो उस समय कहा गया कि कौन कैसे बड़े होंगे बच्चे, तो कृष्णा ज़्यादा मेरे पास आ जाते थे और आरती को ले गई मेरे मामा की बहू। तो मेरे मामा की बहू नहीं, बहुत ही प्यारी है हमारी श्रीमती गीता सिंह जी, जिन्होंने बहुत मेहनत से आरती को बड़ा किया। बच्चा पालना कोई छोटी बात नहीं होती है, तो वो भी ऐसा बच्चा जो ऐसी पैनिक सिचुएशन में बच्चा भी आ जाए कि माँ नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि आरती को मेमोरीज थी अपनी माँ की। 25 दिन के बच्चे को माँ की क्या मेमोरी रहेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। ओके, इस पैनिक अटैक के बाद अभी कृष्णाभिषेक की तरफ से ट्वीट आया है कि आरती को अब सिद्धार्थ शुक्ला से दूर रहना चाहिए क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इससे कितना एग्री करते हैं? देखिए, कृष्णा के अपने व्यूज़ हैं और आरती के अपने व्यूज़ हैं और कामिनी खन्ना के अपने व्यूज़ हैं। कृष्णा ने अपनी तरफ से सही कहा होगा, आरती अपनी तरफ से सही करेगी और मैं कोई कमेंट नहीं दूंगी कि आरती को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर बैठी है, वो एक बेटर सिचुएशन वो खुद जानती है कि उसको क्या करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शी विल टेक अ राइट डिसीजन। जैसे मुझे अभी तक लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा संभल के खेल रही है और हम परिवार वालों को उस पर गर्व है कि वो हमारी बच्ची है और इतने प्यार से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। शी विल टेक डिसीजन उसको क्या करना है। ओके, हमने एक चीज़ और नोटिस की, वो ये थी कि विपाशा बासु और करण सिंह की तरफ से कांस्टेंट उनकी तरफ से सपोर्ट रहा है। जी, उनके दोस्त हैं वो। जी बिल्कुल, और कांस्टेंट उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट उनके लिए ट्वीट करते हैं वो। तो उनकी दोस्ती के बारे में थोड़ा सा बताएं। अरे बहुत ज़बरदस्त दोस्ती है, उनका एक ग्रुप है अपना बड़ा सा, बहुत सिर्फ विपाशा जी नहीं है, और भी हैं, नीलम जी हैं और क्या कहते हैं, हालांकि जो अभी किसके सपोर्ट में आए थे उनका नाम बोल रही हूँ मैं, जो ब्लू आँख वाली लड़की है, माही, माही भी उनके ग्रुप में है। तो बहुत सारी सहेलियाँ, आरती ने बहुत अच्छा अपना एक जहान बसाया है, तो उसका जो जहान है स्वीट सा, बड़ा प्यारा सा, भोला सा, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारे लोग हैं, पीछे पीठ पीछे जो सपोर्ट करता है वही सच्चा होता है। मुँह पे तो सब बोलते हैं, लेकिन एक बार आदमी तकलीफ में आ जाए उसके बाद उसको कौन सपोर्ट करता है, ये देखने वाली चीज़ होती है। ओके, सो अगर आपको मौका दिया जाए कि घर के अंदर जाए और आप आरती को कुछ एक सजेशन दें, तो वो सजेशन क्या हो? सबसे पहले तो मैं जाके उसको बहुत ज़ोर से झप्पी मारूंगी अगर मुझे घर में भेज दिया, और मैं उसकी पीठ थपथपाऊंगी कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जीतना नहीं जीतना हमारे परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर का बच्चा बहुत इज्जत से खेल रहा है, हमारे घर का बच्चा अपनी जो इमेज है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है बातें, ना वो किसी झगड़े फसाद में है और ना किसी कमेंटबाजी में है। जो मर्जी जिसको बोलना है बोले, बट मैं अगर अंदर गई तो मैं यही कहूँगी, आरती जैसा कर रही हो वैसा ही रहो, बिल्कुल हटना नहीं अपनी लीक से। जो तुम ठीक कर रही हो ठीक है, तुम निकलो, तुम अंदर रहो, इस बात की हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है और तुमको भी नहीं होनी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम बेबी मासी। ओके, सो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप एस्ट्रोलॉजी में भी हैं, आप अपने एस्ट्रोलॉजी आपकी उससे थोड़ा व्यू से कहिए आरती कहाँ तक जाता है, क्योंकि अभी इविक्शन में भी है वो, तो इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को इमोशन में बांधा नहीं जा सकता। प्रॉब्लम ये होती है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ लेकिन बायस्ड हूँ। जब एक एस्ट्रोलॉजर अपने घर वालों के लिए या अपने लिए प्रेडिक्शन करता है, मैं वैसे पेशे से राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और आरजे हूँ, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर जो मैंने पीएचडी की एस्ट्रोलॉजी में, तो मुझे एक बात समझ में आई है बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ देखने के बाद, लाखों कुंडलियाँ देखी मैंने, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो इंसान बायस्ड हो जाता है। एक डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता, तो मैं अपने बच्चे के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ यही कहूँगी, मैंने प्रार्थना की है आरती के लिए और मेरी प्रार्थना में बहुत दम है, मेडिटेशनर हूँ मैं 29 साल से, तो मैंने प्रार्थना की है जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। घर के अंदर आरती का सच्चा दोस्त कौन है? ऐसा अभी तक तो आसिम नज़र आ रहा है मुझे, आसिम ऐसा लग रहा है, आगे तो कुछ पता नहीं सच्चा दोस्त कौन है और झूठा दोस्त कौन है। मुझे एक बात बताओ खाली, ये सच्चा झूठा वहाँ आधे मिनट में बदल जाता है। अच्छा है ना, आधे मिनट में कोई एक ऐसी चिंगारी बढ़ती और वो डगमगा जाती दोस्ती वहाँ पर। तो क्या सच्चा क्या झूठा, वहाँ पर हर कोई पैसा कमाने आया है, नाम कमाने आया है, शोहरत कमाने आया है, गेम खेलने आया है। तो मैंने एक जगह और अपनी पोएट्री बोली, मैंने आज तक 19 किताबें लिखी हैं एज ए राइटर, और चल हट तू खेल समझी नहीं ये मेरी किताब थी। तो मैंने एक पोइट्री लिखी थी उसमें कि गेम है गेम देखो कौन फर्स्ट आता है, तुझको तो बस दम लगाना भाता है, उसको पता है दम निकालना कैसे है, कहाँ बिचकाना उकसाना कैसे है। तो अगर बिचका रहे हैं उकसा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर इंसान गलत हो ही जाएगा। फेयर अप फेयर है ना। हाँ, इन सब बिग बॉस के यू नो इस सीजन के इस मज़ेदार से किस्से में एक चीज़ जो लगातार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो ये है कि सलमान इस बार बहुत ही बायस्ड। थैंक यू सलमान जी। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बात ऐसी है, बिल्कुल बायस्ड नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, सलमान जी क्यों बोलेंगे आरती को? एक मुझे बात बोलिए, क्या उसने कोई गलत बात बोली है? क्या उसने कोई गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं किसी के लिए? वो आप करके सबसे बात कर रही है, क्या उसने कोई तमाशा खड़ा कर दिया है? क्या उसने ऐसा कोई गलत स्टेप उठाया जो बिग बॉस की हद से आगे जाता हो? जब बिग बॉस के एग्रीमेंट में जो वो साइन करके गई है उसमें से वो कहीं आड़ी टेढ़ी नहीं जा रही, तो सलमान जी क्यों बोलेंगे उसको? सिंपल इज दैट। तो मतलब आपको लगता है वो बायस्ड है? बिल्कुल बायस्ड नहीं है वो, जब उनको बोलना होता है बोलते हैं। दबंग आदमी है वो और किसी से डरते नहीं है वो। जब उनको लगेगा कि आरती को भी बोलना वो बोलेंगे, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। तो मौका नहीं दिया तो क्यों बोलेंगे वो? फैमिली डिस्कशन कभी इस टॉपिक पर होता है जब आप लोग सब साथ में? मैं और रागनी डिस्कस करते हैं और कोई फैमिली से मेरा डिस्कस नहीं हो रहा है। और मैं और रागनी बहुत खुश हैं। आज भी हम बात कर रहे थे कि हमारा कॉलर टाइट किया है आरती ने और हमें प्राउड फील कराया है कि हमारा परिवार जो है वो भैया ऐसे हम लोग हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। हमको कोई मतलब नहीं है जीतने हारने से, पहले हमारी इज्जत और उसके बाद कुछ भी। ओके सो लास्टली एक मैसेज आरती के लिए हो जाए। आरती बेटा बहुत अच्छा खेल रही बच्चा, और बेबी मासी लव्स यू, बेबी मासी एडोर्स यू। और मुझे ऐसा लगता है कि तू जीत के आना ना आना वो बात की बात है, पहले डटी रहना। और सारे वोटर्स को मैं बोलती हूँ कि इतनी प्यारी बच्ची अंदर गई है जो इतने तरीके से खेल रही है, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको सब अच्छाई को सपोर्ट करेंगे आप। आप जब सपोर्ट करेंगे आरती को तो आप महसूस करेंगे कि आपने अच्छी आत्मा को सपोर्ट किया है। गॉड ब्लेस यू।